अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी टोनी पता नहीं क्या ढूंढ रही है इस टाइम। ये चावल डाले हैं ना हमने, बर्तन धोया है तो वहाँ से चावल गिरे हैं, वो खा रही है बेचारी। इसको चावल डालते हैं जब, उस वक्त नहीं खाती, अभी एक एक दाना करके खा रही है। हाँ तहसीम, हाँ जी, काम की तैयारी है? काम की तैयारी है। यहाँ पे छोटे भाई दाढ़ी को बना रहे हैं मशीन से। मशीन नए खरीद के ना, मशीन अच्छी जल्दी बनता है इसलिए। अच्छी है मशीन, है बहुत अच्छी। मैंने तो आज तक नहीं चलाई, ये तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, 12 दिन इसे खरीदे हुए, मैंने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। बहुत ही अच्छी मशीन है माशाल्लाह यार। ये देखें हमारे टोने की सोने की जगह, देखें इसने गद्दा ढूंढा हुआ है, देखें इसके ऊपर आके रात को सो जाता है ये पूरा। देखें इसका सेटअप, देखें सोने का। तो दोस्तों आज जो हमारा गाबा है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तबीयत बिल्कुल सेट है, और खाना भी अच्छा खाया है सुबह इसने, और आज बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ है आप लोगों की दुआओं की वजह से। ऐसे ही दुआ करते रहिए हमारे गब्बे के लिए और हमारे सारे जानवरों के लिए, माशाल्लाह ठीक ठाक रहें। हाँ गब्बा, अभी तबीयत सही है तुम्हारी? हैं असल में इसकी असल वजह मुझे अभी पता चली है, क्योंकि रात को ये जल्दी इधर से छूट गया था अपना रस्सा तुड़ा के, फिर इधर उधर भागता रहा, ये रात पूरी सोया नहीं, इस वजह से सुबह सुबह ये सुस्त नज़र आ रहा था। मैंने कहा शायद अल्लाह करम करे कोई बुखार वगैरह ना हो, फिर चेक किया बुखार नहीं था इसको, कि थका हुआ था सारी रात का जगा रहा था, इसको सोया नहीं था, इस वजह से अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें मैं यहाँ पे आया हूँ और टोनी मेरे साथ साथ आया और जेकी के साथ अभी बैठ गया है। अभी काटो इसका कान, काटो टोनी, जेकी का कान काटो, ऐसे ऐसे ऐसे, कान पकड़ो, कान पकड़ो इसका। हाँ है, शाबाश, पकड़ो कान। ये बहुत शरारती है ये टोनी, जो बहुत शरारती है, और सोता भी गद्दे के ऊपर है। देखिए कान पकड़ा हुआ है अभी। खिलाओ यार, खिलाओ हमारे जैकी को, खिलाओ, ये डबल रोटी है। ये देखें डबल रोटी खाता है हमारा जैकी। खाओ खाओ और खिलाओ। और ये ड्यू भी पीता है, ड्यू की बोतल, ड्यू की बोतल भी पीता है। दिखा दो। वाह जैकी, यहाँ पर दीवार जो गिर गई थी ना वो बनाने का भी काम स्टार्ट हो चुका है उस्ताद परवाश। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद परवाश, क्या हाल है? ठीक ठाक है उस्ताद परवाश, यहाँ पे काम करेगा तो ये दीवार अभी दोबारा बना रहे हैं, मजदूर अपना काम कर रहे हैं। ये देखें काफ़ी सारा टुकड़ा गिर गया एक साथ, तकरीबन 50 फीट से ज़्यादा होता है ये। तो ठीक है दोस्तों, आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल नए व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।